आज एक नए अंदाज में इसको ओपनिंग किया गया है, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड को शामिल किया गया है। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिलेटेड तैयारी किया जाता है। तो हम यहाँ पे आए हैं उनसे बात करने के लिए कि किस तरह से यहाँ पे तैयारी, बच्चों को तैयारी की, उनको तैयारी करवाया जाएगा। तो उनसे हम बात करते हैं, इस कोचिंग के जो फाउंडर मेम्बर हैं उनसे हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या सोच करके इस कोचिंग की स्थापना की, इनको ओपनिंग किए, और आज फिर से एक नए अंदाज में इस कोचिंग का जो है उद्घाटन किया गया, तो क्या सब शामिल किए इसमें। तो आज हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके द्वारा। तो आप बताइए सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। आप ये पटना कब आए थे? पटना हम जो है ना 16 में आए थे, 2016 में आए। हाँ, अंतिम में, आई थिंक 16 अंतिम में। तो फिर किस चीज़ का तैयारी करने लगे? तो हम जब यहाँ आए थे तो हम 12th पास करके आए थे। अच्छा, 12th पास करके आए थे। हाँ, 12th हम पास करके आए थे। यहाँ पे तैयारी क्या चीज़ का करने लगे? और तैयारी तो हम कभी किए नहीं, जनरल कमीशन जैसे होता है जो लोग करते हैं, हम तो कभी किए नहीं। रुचि था ना, कुछ और ही करना था, तो लगा कि चलिए कि अपना अभी साइड से हम लोग जो फिलहाल अभी हम लोग कमीशन की तैयारी तो नहीं कह सकते हैं, हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। अच्छा, तो ये कोचिंग का कैसे कैसे आपके दिमाग में आया, और कैसे कैसे आप सब मिल करके जो है इस कोचिंग को, मतलब देखिए जब हम यहाँ रहते थे तो छोटा भाई जैसे कोई 9th में पढ़ रहा है, कोई 8th में पढ़ रहा है, कोई आ गया कहीं से, तो उसको यहाँ पर जब रखते थे आसपास के, जब यहाँ कोचिंग में कहीं पर भेजते थे तो उतना अच्छा फीडबैक नहीं आता था हमको, कहीं ना कहीं लगता था कि चलिए ये थोड़ा सा यहाँ पर कमी है। हम लोग 3-4 दोस्त मिलके एक इस पर प्लान किए, एक बार प्लान बनाए तो प्लान हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, फिर एक बार प्लान बनाए तो अंततः जो है दिसंबर 2018 में, यानी कि 2 दिसंबर 2018 को हम लोग ओपनिंग किए थे, और तब से लेके आज तक ये कारवां चल रहा है बच्चा को शिक्षा देने का, अच्छा शिक्षा देने का, अच्छा संस्कार देने का, और साथ साथ जहाँ तक जो भी बच्चा का सहयोग हो पाता है वो हम कर पा रहे हैं। तो आप 2018 में जो शुरुआत की, तो कितने कौन क्लास तक शुरुआत किए थे? हाँ, शुरुआत में हम बच्चा को 1 से 10 तक लेते थे, लेकिन अभी हम जो है ना 5 से ही 10 तक लेते हैं। अच्छा जी, तो आप ये बताइए कि फिर आप लोग कैसे, मतलब सब मिल करके कैसे सहमति से स्टार्ट किया, कैसे आप लोग मिले कैसे थे? देखिए आपको तो पता है ये अच्छा काम हो या बुरा काम, तो जब अच्छा विचार जब एक साथ मिल जाता है तो अच्छा काम हो जाता है, जब अच्छा विचार जब गलत डायरेक्शन में चल जाता है तो बुरा काम हो जाता है। उसी प्रकार से हम 3-4 लोग मिल के बैठ के एक नया इनिशिएटिव सोचे तो हम लोग इस पर वर्क कर पाए और आज आपके सामने में है रिजल्ट। देखिए जिस तरह से आज बिहार में एक जितने युवाओं हैं उनमें एक होड़ लगा हुआ है कि सरकारी नौकरी ही करना है, पढ़ लिखने का मतलब उनके दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि सरकारी नौकरी, तो उनके दिमाग में एक होड़ लगा हुआ है कि सरकारी नौकरी ही करना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये आपको एक मिसाल के तौर पे हैं, आप इनको देख करके सीख सकते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने तैयारी करते समय अपना एक साइड से जो समय लोग फालतू इधर उधर बिताते हैं वो अपना, हाँ। चाहे जो हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करें। हाँ, इसमें हम एक बात जोड़ना चाहेंगे, ऐसे बहुत सारे मेरे मित्र हैं या दोस्त हैं या पापा मम्मी, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम जब इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं तो हम भर दिन इंस्टीट्यूट ही पढ़ाते रहते हैं। देखिए ऐसा बात नहीं है, हम लोग के यहाँ मॉर्निंग में सिर्फ 7 से 9 बैच चलता है जो बिहार बोर्ड के 8, 9, 10 का है, बाकी सारा क्लास जो है वो 3 बजे के बाद शुरू होता है, जिसमें हम लोग 4 बजे बाद क्लास लेने के लिए आते हैं। उसमें से हम लोग का सप्ताह में 3 या 4 दिन किसी का क्लास रहता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग फैकल्टी है, सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टी है, तो किन्हीं एक पर पूरा लोड ध्यान है। तो ये कह लीजिए कि अपना पार्ट टाइम ये पूरा इंस्टीट्यूट भी चल रहा है और हम अपना पूरा पढ़ाई भी कर पा रहे हैं। हम लोग सिविल सर्विस तैयारी करते हैं और हम लोग इस बार फर्स्ट अटैम्प्ट एग्ज़ाम भी दिए थे, अच्छा खासा एग्ज़ाम भी गया है, अगर सब कुछ ठीक रहा था तो हम लोग हो सकता आने वाले साल में हम क्रैक भी कर ले, हम उसके लिए हम लोग डेडिकेटेड, लेकिन साथ में हम ये भी इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं, चूँकि सेल्फ डिपेंडेंट होना भी अपने आप में एक गौरवपूर्ण बात है। बिल्कुल, तो सर ये बताइए कि इस कोचिंग में जो आप क्या चीज़ एक्स्ट्रा ऐड किया जो ओपनिंग किए? हाँ देखिए, पहले हम जब 2018 में शुरू किए थे हमारे पास मात्र 2 ही रूम था, अभी आप यहाँ पे काउंट कीजिएगा तो आप यहाँ से वहाँ दिखा दीजिए यहाँ से वहाँ तक, और करीब करीब 8 हमारे पास रूम है, करीब करीब ऐसा हम अभी जो हम नया एक हॉल बनाए हैं बच्चा के लिए जिसमें एक साथ 150 बच्चा बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, 30-35 बच्चा के लिए हम लाइब्रेरी की व्यवस्था की है, जो लाइब्रेरी और स्टेशन रहेगा, लाइब्रेरी बच्चा के लिए 24 आवर्स खुला हुआ रहेगा, लड़का लोग के लिए 24 आवर्स, लड़की लोग के लिए सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुला हुआ रहेगा, ये सिर्फ इंस्टीट्यूट के बच्चा के लिए, इसका कोई लाइब्रेरी का कोई फी नहीं लगेगा। दूसरा ये बताइए कि अभी मतलब नया में जो जोड़े हैं कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, तो इसमें क्या सब फैसिलिटी सब दिए हैं? अच्छा, कौन कौन सी जगह तैयारी होगा? हाँ वो तो कंपटीशन वाले के लिए हैं, जो आमतौर पे कंपटीशन में जो इंग्लिश जीके जीएस हर जगह देख लीजिए पूछा जा रहा है, ये उसके वाले लिए, उसके लिए आप जो है एक विशेष वीडियो बाद में बना लीजिएगा, हम उसके बारे में भी आपको एक पूरा फुल डिटेल नॉलेज दे देंगे ताकि और ही बच्चे उससे जुड़ पाए।
अच्छा, अभी जो आप कोचिंग यहाँ पे खोले हुए हैं, देख रहे हैं, देखिए जिस तरह से अभी बिहार में, हम खास करके पटना में बोल रहे हैं, पटना में आप जहाँ निकलिएगा, अगर गली में निकलिएगा, तो जिस तरह से दुकान नहीं रहता है, किराना का दुकान हो गया चाहे कुछ जो भी दुकान है, उस तरह से अभी कोचिंग संस्थान खुला हुआ है। तो आप अपने इस कोचिंग में क्या खासियत दीजिएगा जो बच्चे दूसरे जगह से अट्रैक्टिव होकर के यहाँ पर आए? आप दूसरों से क्या अलग कर रहे हैं, क्या उनको दे रहे हैं बच्चे? देखिए, मेरा मानना ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक ही मकसद है कि अच्छा शिक्षा देना, और हम जो है ना अच्छा शिक्षा पे ही काम कर रहे हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम बच्चे को अगर बेहतर दे पाएंगे शिक्षा में, मान लीजिए कि उसमें क्वालिटी दे पाएंगे, अच्छा कंटेंट दे पाएंगे, और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो बच्चा को पढ़ाया जाता है बिना डायरेक्शन, बिना समय बर्बाद किए, बिना जो बच्चा को आगे जाके जो है उनको बेनिफिट्स करे, कोई उनका सिलेबस कहीं से लैक नहीं करे, कोई चीज़ हम उनको पढ़ाने वक्त छोड़े नहीं, जैसे एक टेंथ का बच्चा है तो जो भी चीज़ उनको पढ़ाना है उनके सिलेबस में है, या उनसे आगे कुछ भी चीज़ ऐसा है जो उनको भविष्य में काम आएगा, तो हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि उनको सारा कुछ दे दे। तो यही कह लीजिए कि देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट सच में ज़्यादा है, हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, आप ये मान के चलिए कि आप ये भी देखिए कि बिहार में हर एक साल जो है 17-18 लाख विद्यार्थी टेंथ का एग्ज़ाम देता है, तो उस मात्रा में तो हम कहेंगे नहीं है। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़्यादा रहता तो फिर एक ही कोचिंग में 400-500 बच्चे बैठ के क्यों पढ़ते एक ही बैच में, ये तो कहीं ना कहीं आती है ना। तो है कि हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं कि हम अपने से अनुसार से मेहनत करके बच्चा को बेहतर से बेहतर दे पाए, ताकि आगे जाके बच्चा का विकास हो। जब एक बच्चा विकास करता है तो एक घर विकास करता है, जब एक घर का विकास होता है तो समझ लीजिए कि धीरे धीरे गांव देश विकास होते रहता है, वही राष्ट्र का निर्माण करता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। कहाँ से, घर कहाँ है? मेरा घर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आप इस कोचिंग से कैसे जुड़े हैं? कोचिंग से 2019 के मतलब सितंबर अक्टूबर के टाइम पे जुड़े, एज ए हमको उस टाइम पे पढ़ाने का शौक़ था, तो इस वे में हम मिले। फिर हम लोग अब भी अच्छे खासे दोस्त भी बन चुके हैं, और इस वे में मतलब मेरा शुरू से ही ये था कि हम शिक्षा दें, और इसी रुचि के कारण या इसी शौक के कारण हम यहाँ से जुड़े थे, और अभी हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो आप क्या चीज़ पढ़ाते हैं यहाँ पे? हम सोशल स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। दूसरे जगह बहुत जगह जाते हैं बच्चा सब पढ़ने के लिए, आप क्या दूसरे से अलग पढ़ाइएगा तो वो यहाँ पे अट्रैक्टिव होकर के आया, क्यों आपके पास आया बच्चा? पढ़ाई सब जगह होता है, ये सबको पता है, सरकारी स्कूल में या फिर जिस जगह पे भी कोचिंग बच्चा जाता है सब जगह होता है, लेकिन किस वे में पढ़ाया जाता है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट होता है। कहीं कहीं पे जैसे मतलब ये होता है कि तरीका बच्चों को पसंद नहीं आता, या इंट्रैक्शन या कनेक्ट नहीं कर पाता टीचर से, या समझाने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, तो बच्चे को बच्चे के लैंग्वेज में समझाएंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है, उस वे में वो ज़्यादा कनेक्ट करता है, और उसको जब जैसे ही वो इंटरेस्ट होने लगता है सब्जेक्ट में, वो खुद न खुद वो उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है और वो खुद पढ़ने लगता है। फिर बच्चे के साथ आप व्यवहार कैसे करते हैं, कठोर व्यवहार नहीं करते हैं? नहीं, देखिए मेरा ये मानना है कि कठोर तरीके से आप कोई ज़बरदस्ती काम करवा सकते हैं, और पढ़ाई हमको नहीं लगता एक काम है। पढ़ाई एक है, जब तक आप उसमें रुचि नहीं लाइएगा वो आप बेटर नहीं कर सकते हैं, वो किसी भी फील्ड में, वो एकेडमिक सेशन में हो या फिर कंपटीशन वाला में हो। तो जब तक आप, अब रुचि लाने का बहुत सारा तरीका है, या तो टीचर, अब बच्चा लोग को उतना उस टाइम पर नहीं बता सकते हैं कि तुमको IAS बनना है इसीलिए इतना पढ़ना है, तो बच्चे को तरीके से ही आप उसको इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना होता है। बिल्कुल, बच्चे के अनुसार ही, हाँ, इंटरेस्टिंग खेल में उनको पढ़ाइए तब तो इंटरेस्टिंग होता है, बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है उस सब्जेक्ट को। क्या नाम है सर, नाम बताइए? मेरा नाम दिनेश कुमार यादव है। कहाँ से, घर कहाँ हुआ? घर जो है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। पटना कब आए? पटना 2014 में हम मैट्रिक किए, टेंथ का एग्ज़ाम दे करके, और फिर जून जुलाई के आसपास 2014 में आए। 2014 में आए। तो फिर आपके दिमाग में कैसे आ गया कि हम कोचिंग संस्था में पढ़ाएं, अपना तैयारी करके कुछ जॉब वॉब करते हैं? ऐसे अभी भी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी हम लोग जो भी हमारे साथी अभी आपसे बात किए हैं, हम सब जो है अभी दिए हैं सिविल सर्विस का एग्ज़ाम, अभी तैयारी कर रहे हैं आप? जी, अभी रिजल्ट नहीं आया है। बाकी बात रही कि कैसे हम लोग टीचिंग लाइन में आए, या क्यों आए, मजबूरी था या क्या शौक था, तो मैं बता दूं कि 2016 में हम सब इंटर किए, और इंटर करने के बाद से हम लोग पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं मतलब शौक था, मतलब रुचि था, ऐसा नहीं था कि अभी भी हम लोग जिस एज में है कोई बहुत बड़ा फुल्ली 24 घंटा हो सकता है, ऐसे तो कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन कोई फुल डेडिकेशन के साथ सिर्फ इतना ही कहता है कि हम प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। लेकिन हम लोग 16 में जिस समय पढ़ाना शुरू किए थे उस समय रुचि था, लेकिन 18 में जब ये फुल्ली हम लोग संस्था खोले
उससे पहले कुछ एक आध घटना भी हम लोग देखे थे जहाँ हम लोग पढ़ाते थे, कुछ जगह ऐसा जगह हम लोग शिक्षा का दान भी दिए हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी भी चल रहा है, उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट हैं, हम लोग जाते भी हैं। इससे पहले ऐसा करने के बाद होता है, तो जैसे जैसे हम लोग करते जा रहे हैं और जैसे हम लोग अभी तक 10 तक को पढ़ा रहे हैं, तो 10 तक में हम अपने तरफ से 100% दिए भी हैं हम लोग, और जो गार्जियन का रिस्पांस आता है, जो बच्चे का रिस्पांस आता है, हमारे यहाँ का जो हमारे संस्थान में जो बच्चे पढ़ते हैं उन लोग का जो रिस्पांस आता है, उसके बाद जो रिज़ल्ट हम लोग देते हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग को जो 3-4 साल 5 साल का जो एक्सपीरियंस और जो अनुभव मिला है उसके आधार पर हम लोग को लगता है कि नहीं नहीं यदि अच्छा से काम करेंगे तो जो आगे हम लोग अभी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड खोलें इसमें भी हमें सफलता मिलेगी और इसको भी हम लोग अच्छे ढंग से चला पाएंगे। और इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, अच्छा शिक्षा देंगे, साथ में शिक्षा ही ऐसा चीज़ है जो आप बहुत कुछ नहीं जानते हुए धीरे धीरे सीखते सीखते बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं। तो आप क्या चीज़ पढ़ाते हैं इसमें, कौन सा सब्जेक्ट? अभी तो हम क्लास 10th तक में मैथ्स पढ़ाते हैं। मैथ्स पढ़ाते हैं आप जी? बच्चे किस तरह से बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि पढ़ाते हैं? तो बच्चे का मोटिवेशन लेवल बस यही होना चाहिए कि आप भी बच्चे बनिए, बच्चे के साथ आप हैं तो थोड़ा बच्चे वाला बिहेव आपको भी लाना है, बच्चे का आपको अनुशासनहीन वाला बिहेव है तो आप वो नहीं, आप इस सेंस में मत समझ लीजिएगा, मतलब बच्चा क्लास है तो आप उतना अपना आपको स्टैंडर्ड नहीं वहाँ दिखाना है। तो हम लोग में क्या है, फ्रेंडली व्यवहार करते हैं, ऐसे भी हम लोग उनसे जस्ट बड़े हैं, तो हम लोग जैसे एक होता है हम लोग क्लास में भी बोलते हैं, देखो तुम ये मत समझना कि एक टीचर पढ़ा रहा है, तुम हमेशा ये समझो कि तुम्हारा बड़े भैया है और तुम्हारे बड़े भैया हम हैं भी, एज में भी तुम देखो तो लगेंगे कि तुम्हारा बड़े भैया ही है, तो इस सेंस में तुम यदि हमसे मिलोगे कि भैया पढ़ा रहे हैं तो तुम डरोगे नहीं हमसे, कोई क्वेश्चन तुम खुल के पूछ पाओगे। बच्चे कोई भी बुरा नहीं होता है, स्टूडेंट यदि जो जूनियर सेक्शन का हम लोग पढ़ाते हैं 10th तक का, उसमें बच्चा को होता क्या है कि एक डर होता है कि सर से पूछेंगे कैसे पूछेंगे, डांट के बैठा देंगे, तो इस सेंस में कभी कोई बच्चा सीख नहीं सकता है। और उस बच्चे के साथ हम लोग ऐसे जुड़े हुए हैं कि वो बच्चा को हम खुद ऐसे, मतलब आपको भी हंसी लगेगा कि कभी कभी 2 बजे से क्लास स्टार्ट करते थे संडे को, क्लास 10th वाले का जब हम मैथ पढ़ाते हैं कभी कभी, तो या और भी जो सब्जेक्ट होता है, तो 2 बजे से लेकर 9 बजे रात तक हम पढ़ा देते हैं। अब ये बात किसी को यदि बोल देते हैं तो हंसी सोचता है कि अरे भाई बच्चा है, दिमाग उमाग सही है तुम्हारा, मतलब बहुत लंबा टाइम हो जाता है, लंबा टाइम हो जाता है भाई, इतना टाइम को टिक कैसे पाएगा। सही बात है, लेकिन आप यकीन मानिए कि शिक्षा को यदि आप जो हमारे अभिषेक सर अभी बोले हैं कि काम के जैसे लीजिएगा कि ये काम हमको मिला है, अब ये थोपा है तो हमको तो करना ही पड़ेगा, तब कभी नहीं सीख पाएगा, उसको गेम के तरह लीजिए ना। और हम लोग वैसा करते हैं, कुछ लोग को इतना मतलब तरीके से बताते हैं पूरा रियलिटी से, बस कोई भी एग्जांपल लेते हैं, पूरा रियल समाज पूरा जो हमारे सोशल में चल रहा है उस चीज़ से रिलेटेड बात बताएंगे, जो तरीका होता है अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं डेवलप करने का, इस तरीके से पढ़ाएं बच्चे को कि रुचि आ जाए, उसको लगे कि कहीं सिनेमा हॉल से मूवी देख के आए हैं। अब ऐसे में ही बच्चा पढ़ेगा भी, अब वो उसको वो मैकाले वाला पद्धति अपनाइएगा तब तो नहीं, फिर तब नहीं ना, वो अंग्रेज़ तो हम लोग को थोप के गया ही है मैकाले पद्धति, तो जो भी वुड डिस्पैच या दुनिया जहान जो हम लोग हिंदी इतिहास में पढ़ते हैं तो वो तो थोप के गया है, उसी को यदि अभी भी हम लोग करेंगे कि 2 लाइन कोई इंग्लिश बोल दिया तो अब वहीं सब, इंग्लिश ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, आगे बढ़ने के लिए इंटरनेशनल रूप से करने के लिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो उसका भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था है, अच्छा पढ़ाई हो रहा है, लेकिन सिर्फ आजकल ये समझ लेते हैं लोग सिर्फ इंग्लिश, तो वहाँ गलती हो जाता है, तो हम लोग मैकाले पद्धति को पूरा नहीं अपनाते हैं, जहाँ लगता है कि हमको कोई भाषा मैथिली में समझा करके ही मेरा बच्चा आगे बढ़ सकता है तो मैथिलियों में हम लोग चलता है पढ़ाते हैं, किसी सर को लगता है दुल्हन भोजपुरियों में बोल के समझ जाए बच्चा, यदि लोकल बच्चा कोई है तो भोजपुरियों में समझाते हैं हम लोग, मतलब जिस तरह से बच्चा समझ जाए, ओवरऑल एक ही मकसद है हम लोग का, समय पर सिलेबस ख़त्म करना, जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को बहुत ही आसानी तरीके से बच्चों के बीच पेश करना, बच्चा तभी समझ पाएगा जब बच्चे की तरह उनके साथ व्यवहार करेंगे, अब बच्चे को वो वहाँ के अंग्रेज के जैसे व्यवहार करेंगे तो कैसे सीखेगा, नहीं ना सीखेगा, बिल्कुल बच्चे को खेल खेल में ही समझाना हाँ अच्छा होता है। और ऐसे भी जो हाँ ऐसे भी जो क्यों बीएड करवाया जाता है, कोई ट्रेनिंग, हम लोग तो ऐसे अभी
वो किए भी नहीं है, लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं कि बीएड का एक ही मतलब होता है कि भाई बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। लेकिन युवा हैं उनसे हम ये कहते हैं कि आप बिहार में देख रहे हैं कि किस तरह से सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हैं, तो अपना जो है यहाँ पे रहने का खर्चा जो मेंटेन होता है वो सभी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस सरकारी नौकरी के ही पीछे हैं, अगर ये अच्छा कर जाए सब कुछ अच्छा हो जाए तो क्यों नहीं इस पर फोकस किया जाएगा, और क्यों नहीं अपने अपने साथ साथ और 5-10 आदमी को रोज़गार दिया जाए। तो ऐसा होना चाहिए, बिहार वैसे नहीं विकास करेगा, सिर्फ सरकारी नौकरी पे फोकस करने से बिहार विकास नहीं करेगा, तो ये सब होना चाहिए। तो यहाँ पे किस तरह से सर गाइड की करते हैं और पढ़ाते हैं, तो वीडियो को देखिए और इसको शेयर करें, और जो आपके आसपास जो लगे कि बच्चे बाहर जाएंगे पढ़ेंगे तो उनके पास ये वीडियो शेयर करें। एड्रेस, ये एड्रेस हमारा जो है ये पटना में बाज़ार समिति है, और बाज़ार समिति में केला मंडी है, और केला मंडी और संदलपुर यहाँ पे मोड़ पड़ता है, तो आप केला मंडी से पीछे आइएगा, एक रोड आता है शिव शक्ति नगर चौक है, वहाँ पे सब्जी वगैरह पूरा मार्केट है, वहीं पे हमारा इंस्टीट्यूट है चौक पे ही। तो और आप किसी से भी पूछिएगा लक्ष्यवेदी इंस्टीट्यूट तो आपको बता दिया जाएगा, पूरा नाम है लक्ष्यवेदी कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो आपको जानकारी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर आए पटना तो ज़रूर एक बार खोजें लक्ष्यवेदी इंस्टीट्यूट कोचिंग, तो आपको ज़रूर यहाँ पे पता जो सर बताए वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। तो धन्यवाद।